जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर, ये 2 है, बहुपद पॉलिनोमियल्स। आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। ये पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, और यानी पहला चैप्टर और उसका जो इंट्रोडक्शन था वो भी देख चुके हैं। आज ये दूसरा वीडियो है, ये चैप्टर 2 का बहुपद जो है, चैप्टर 2 का ये दूसरा वीडियो है। आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन में जो है ये 6 का 6 प्रश्न देखेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सब देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए ये क्लास 10th से संबंधित, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7361920042। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स मटेरियल ले सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ाई की ओर अपनी शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिया गया, क्या कहा गया आइए देखते हैं। तो कहा गया निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता, यानी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो आप शून्य निकालिए, फिर क्या कीजिए, शून्य निकालने के बाद संबंध की जो है जांच, सत्यता की जो जांच है वो कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल या सोल्यूशन लिखेंगे, हल या सोल्यूशन। और ये पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब समझेंगे 8, ये तो शून्य निकालेंगे कैसे, तो पहला गुने तीसरा करेंगे, क्या करेंगे, पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा। आइए देखते हैं पहला गुने तीसरा 8 और 1 गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 का ऐसा गुणनखंड लेंगे, 8 का ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसको हम जोड़ घटा के ये तीसरा पद जो है यानी दूसरा पद हो जाए। आइए 2 से करेंगे ये 4 हो जाएगा, और क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब समझेंगे हम लोग क्या इसमें, 2 दूनी क्या होगा 4, अगर हम माइनस चार में से अगर 2 घटाते हैं तो 2 हो जाएगा। माइनस 4 में से हम लोग यानी माइनस 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा। ये तो आप लोग भी समझते हैं, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, आइए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे या प्लस लिखेंगे तो 2x लिखेंगे, 2x और माइनस 4x और माइनस 8, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2। अब इसमें क्या होगा कॉमन, इसमें भी कुछ कॉमन होगा, 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन लिए तो x बचा, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया। आप समझेंगे यहां से ये और ये दोनों सेम है, x प्लस 2 और क्या हो जाएगा इंटू x और माइनस 4, x माइनस 4। अब समझिए हमको तो शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। आइए देखते हैं शून्यक कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से आप लोग भी समझ सकते हैं ये x बराबर प्लस 2 है, बराबर किधर आएगा, क्या होगा बराबर किधर आएगा, माइनस हो जाएगा, यानी क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं ये माइनस होगा तो माइनस क्या लिखेंगे 2 लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा ये माइनस 4 है उधर जाएगा, क्या होगा x बराबर प्लस 4 हो जाएगा। तो शून्य के बराबर क्या सब आया, तो शून्य के बराबर आया माइनस 2 और 4, यानी हम कह सकते हैं अल्फा बराबर 4 यानी माइनस 2 और बीटा बराबर 4। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा हटा लेते हैं, तो हम लोग क्या देखें यहां से आया अल्फा और बीटा, क्या आया तो अल्फा, क्या आया अल्फा बराबर क्या आया माइनस 2 और बीटा बराबर क्या आया 4 आया, बीटा बराबर क्या आया 4। अब हमें तो निकालना क्या है, हमें निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, तो क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, योगफल तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे माइनस 2 और प्लस क्या होगा 4,
माइनस दो और प्लस चार दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, तो x का गुणांक यानी माइनस x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक गुणांक और बट्टा क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। अब यहां से देख सकते हैं आप लोग भी, माइनस एक्स का गुणांक कहने का मतलब हुआ यहां से एक्स का गुणांक क्या है, माइनस दो है तो माइनस दो, अब समझेंगे माइनस दो, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहां पे देखेंगे क्या कहा गया आपको, माइनस, तो माइनस का माइनस और एक्स का गुणांक कितना, माइनस दो है, कितना है माइनस दो है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो क्या एक है, एक माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, दो बट्टे एक, क्या दो बट्टे एक है, बिल्कुल है दो है, बट्टा नहीं पूछा तो एक तो लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल संबंध क्या है स्थापित है, बिल्कुल सही है। आइए हम लोग इसको हटा देते हैं। आइए अब देखेंगे क्या हम लोग यहां से शून्यकों का योगफल हो गया, अब हमें क्या देखना है शून्यकों का गुणनफल क्या देखना है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल होगा, आइए देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुना हो जाएगा, तो माइनस दो गुने कितना चार, चार दुना कितना आठ, माइनस क्या हो जाएगा आठ, आप समझेंगे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है क्या होगा अचर, क्या होता है गुणनफल के लिए अचर पद, क्या होता है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है अचर पद लिख लेंगे बराबर, क्या होता है यहां अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब देखेंगे अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद कहते किसको है, तो अचर पद उसको कहते हैं जिसमें क्या हो एबीसीडी वाला कोई भी लेटर नहीं लगा हो, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी है, सिर्फ क्या हो एक दो तीन चार, ये सब अचर पद। तो आप देखेंगे अचर पद क्या है, माइनस आठ है, यहाँ भी क्या है माइनस आठ है, और नीचे नहीं कुछ है तो एक है, अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है एक है, क्या हो जाएगा माइनस आठ बटे एक, यानी क्या है बिल्कुल सही है संबंध स्थापित हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहां से आप लोग बना लेंगे और इसको लिख लेंगे, तब तक हम इधर हटाते हैं इसको, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, ये पहला था तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है, तब तक आप लोग उधर राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो ये दूसरा प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या कहा गया चार एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अब देखेंगे पहला गुने तीसरा, चार इकाई चार, चार को ऐसे दो भाग में बांटेंगे क्या, कितना लाना है चार लाना है। देखेंगे चार का अगर हम गुणनखंड की बात करें तो दो दुनी चार, क्या हो जाएगा दो दुनी चार, तो यहां से दो दुनी चार। अब देखेंगे इसका कहने का ये हुआ चार एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन, बिल्कुल दो दो चार हो जाएगा माइनस चार, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोनों में हम कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं तो टू एस कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं टू एस, तो क्या हो जाएगा टू एस माइनस वन, और इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं नहीं पूछा तो माइनस वन कॉमन कर सकते हैं, तो 2s और माइनस प्लस माइनस वन। अब देखेंगे दोनों में जो मिल रहा है उसको पहले लिख लेंगे, क्या होगा 2s माइनस वन और इंटू 2s माइनस वन, अब क्या होगा 2s बराबर माइनस वन है, बराबर किधर आएगा क्या होगा एक हो जाएगा प्लस में, और क्या होगा 2s बराबर ये भी माइनस वन है, इधर आएगा क्या होगा प्लस वन, एक स्टेप हम ज्यादा कर लिए जल्दी ही कर लिए, आप लोग चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं
टू एस माइनस वन बराबर जीरो, और क्या हो जाएगा टू एस माइनस वन बराबर जीरो। अब यहाँ से s बराबर क्या होगा, वन बाई टू होगा, और क्या होगा s बराबर वन बाई टू हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर यहां से आइए देखते हैं, तो अल्फा बराबर यहां से क्या होगा हाफ हो जाएगा, हाफ, और बीटा बराबर क्या होगा हाफ हो जाएगा बस, और फॉर्मूला जो है बिल्कुल वही रहेगा, सुनेकों का योगफल क्या होगा, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। आइए देखते हैं दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वन बाय टू प्लस वन बाय टू, भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ करेंगे एक बट्टा दो प्लस एक बट्टा दो, दो दो का एलसीएम दो हो जाएगा, एक प्लस एक यानी दो, दो बट्टे दो कट के कितना एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक, तो यहाँ कितना होगा एक हो जाएगा, और x का गुणांक यहाँ क्या है s है, s है तो क्या लिख लेंगे s का गुणांक, यहाँ क्या लिख लेंगे s का गुणांक, और क्या लिखेंगे s का गुणांक बट्टा s स्क्वायर का गुणांक, यहाँ भी क्या लिख लेंगे s स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखेंगे s का गुणांक, s का गुणांक क्या है माइनस चार है, क्या है माइनस चार है, चलिए इसको हटा देते हैं, तो s का गुणांक दे रखा है माइनस चार, तो चलिए वो भी देख लेते हैं, माइनस चार बट्टा एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक चार है तो चार रख लीजिए, चार से चार काटिए कितना एक हो जाएगा माइनस एक, और यहाँ कितना है यहाँ एक है आप देखेंगे, और पहला जो है ये माइनस तो फॉर्मूला से लगा हुआ है तो माइनस भी लगा हुआ है तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप देख सकते हैं एक है, इसका मतलब क्या है बिल्कुल क्या है सही है, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब देखेंगे गुणनफल, क्या देखेंगे गुणनफल, आइए गुणनफल क्या करेंगे इसमें, तो गुणनफल वही हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे बदलेगा, बाकी बात क्या होगा सबका सब वही रहेगा। चलिए अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, एक बट्टा दो और गुने क्या होगा एक बट्टा दो, दोनों के गुना करेंगे एक बट्टा दो दूनी चार, क्या हो जाएगा एक बट्टे चार हो जाएगा। आप समझिए अचर पद, अचर पद क्या है एक है, और एस स्क्वायर का गुणांक चार है तो क्या हो जाएगा एक बटे चार, बिल्कुल सही है, यहाँ आप लोग एस लिख सकते हैं एस स्क्वायर का गुणांक, तो इस प्रकार से बना सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, यानी संबंध स्थापित हो जाएगा, यानी रिलेशन जो है संबंध स्थापित हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आप लोग इधर तब तक राइट डाउन कीजिए, और हम लोग इधर देखते हैं प्रश्न संख्या तीन, तो चलिए जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है अपना ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीन, तीन क्या कहा गया आपको, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीन में है सिक्स एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है तीन में सिक्स एक्स स्क्वायर, तो सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है तो इसको हम अवरोही क्रम में बदल लेंगे, तो माइनस क्या होगा सेवन एक्स और माइनस थ्री। अब देखेंगे पहला गुणे तीसरा छत्रिक अठारह, अठारह को दो ऐसे गुणनखंड में हम लोग बांटेंगे, अठारह को दो ऐसे गुणनखंड में बांटेंगे क्या करेंगे, तो जोड़ के घटा के हमको कितना लाना माइनस सात। अब देखेंगे अठारह यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अठारह नौ दुनी अठारह दो से नौ, अब माइनस नौ में से दो जोड़ेंगे क्या होगा माइनस सात हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आइए देखते हैं तो लिख सकते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स और प्लस टू एक्स और माइनस थ्री, इस प्रकार से अब क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, कितना कम से कम तो तीन तो कॉमन कर ही सकते हैं, तीन दूनी छ टू एक्स और माइनस तीन तिया नौ तो तीन हो जाएगा, प्लस नहीं कुछ तो एक तो कॉमन कर सकते हैं टू एक्स माइनस थ्री। अब देखेंगे ये और ये दोनों मिल रहा टू एक्स माइनस थ्री इंटू थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन, अब इसमें भी एक स्टेप आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं यानी तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो और थ्री एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा वन बराबर क्या हो जाएगा जीरो, ये एक स्टेप मन में भी लिख सकते हैं कोई खास बात नहीं है। तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस तीन इधर आएगा प्लस तीन और ये दो गुना इधर आएगा भाग में, और क्या हो जाएगा ये x बराबर प्लस वन है इधर आएगा माइनस वन और तीन गुना में इधर आएगा भाग में, तो एक हो जाएगा अल्फा बराबर तीन बट्टा दो और बीटा बराबर माइनस एक बट्टा तीन, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ अल्फा और बीटा का मान लिख सकते हैं। आइए देखते हैं तो अल्फा बराबर तीन बट्टा दो
और बीटा बराबर माइनस एक बटे तीन, माइनस एक बटे तीन। अब क्या करेंगे फिर उसी प्रकार से शून्यकों का योगफल, क्या करेंगे शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। आइए देखते हैं शून्यकों का योगफल निकालेंगे। चलिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा वो भी देख लें। आइए थोड़ा इसको हटा लेते हैं। अब हम बात करें शून्यकों का योगफल, क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल। आइए देखते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तीन बट्टे दो क्या होगा, तीन बट्टे दो प्लस वन बट्टे तीन, लेकिन ये माइनस में है, क्या है माइनस में है। अब देखेंगे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। आइए एक स्टेप हम और कर लें, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक बट्टे तीन, माइनस एक बट्टे तीन। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तीन और दो का एलसीएम छह, दो तिया छह, तीन तिया नौ हो जाएगा, माइनस तीन दूनी छह, दो दो का दो, नौ माइनस दो गया कितना सात हो जाएगा, सात बट्टे छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा सात बट्टे छ हो जाएगा। आप समझिए माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है तो माइनस सात है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा सात, और क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का गुणांक छ है बट्टा छ, बिल्कुल सही है, ये कितना हो जाएगा सात बट्टे छ, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, दोनों को गुना कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तीन बट्टे दो गुने माइनस वन बट्टे तीन, अब गुना कीजिए तीन से तीन कटेगा, एक बट्टे दो माइनस एक बट्टे क्या होगा दो हो जाएगा। अचर पद, अचर पद क्या है, अचर पद देखिए माइनस तीन है, अचर पद क्या है माइनस तीन है, और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक छ है, क्या होगा तीन दूनी छ यानी एक बट्टे दो हो जाएगा, माइनस का माइनस, तो माइनस एक बट्टा दो आ गया है, इसका मतलब क्या है ये भी सही है, संबंध स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा हो गया ये चौथा, तब तक आप लोग इधर राइट डाउन कीजिए, हम इधर चौथा बनाते हैं। आइए देखते हैं चौथा क्या है, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आइए चौथा प्रश्न आप लोग के सामने है, तो चौथा क्या दिया गया है फोर यू स्क्वायर प्लस, क्या दिया गया है चौथा फोर यू स्क्वायर। तो इसमें जैसा कि दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, अब हम यहाँ तो पहला गुने तीसरा तो नहीं करेंगे क्योंकि तीसरा है ही नहीं, तो क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, कॉमन कितना फोर यू कॉमन करेंगे, क्या बचेगा यू बचेगा, प्लस फोर तो कॉमन कर लिए हैं टू और यू तो कॉमन कर लिए हैं यू। अब समझिए आपको नीचे जैसे हम बताए थे एक्स प्लस थ्री इंटू कुछ भी आता है x प्लस टू, तो क्या लिखते हैं x प्लस थ्री बराबर जीरो, और क्या लिखते हैं x प्लस टू बराबर क्या लिखते हैं जीरो लिखते हैं, क्योंकि ये गुना है तो इसको अलग कर देते हैं, यहां से फिर अलग कर देते हैं, उसी प्रकार इसको भी हम अलग कर सकते हैं। आइए कैसे अलग करेंगे, फोर यू बराबर जीरो और क्या लिख सकते हैं u प्लस टू बराबर जीरो, ऐसे तो हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं क्या होगा, अब यहां से u 4 गुना में इधर आएगा भाग में, तो u बराबर 0 बट्टा 4 यानी 0 हो जाएगा, और क्या होगा u बराबर प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2, अल्फा बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस 2 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस 2, बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब यहां से तो बन ही सकता है, आसानी से बन सकता है, कैसे शून्यकों का योगफल दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, चलिए तो थोड़ा इसको हटा देते हैं। अब यहां से दोनों को जोड़ेंगे जीरो और प्लस माइनस, माइनस दो बराबर क्या होगा माइनस दो हो जाएगा, क्या होगा माइनस दो। अब देखेंगे एक्स का गुणांक यहां है यू, तो आप लोग लिख लेंगे यहां यू का गुणांक और नीचे यू स्क्वायर का गुणांक, तो यू का गुणांक क्या होगा, तो u का गुणांक देखेंगे, u का गुणांक 8 है तो क्या होगा माइनस 8, माइनस का माइनस और 8 का 8, और u स्क्वायर का गुणांक 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 दूनी 8 यानी माइनस 2, क्या माइनस 2 है बिल्कुल है, यानी ये सही है। आइए अब गुणनफल की बात करें, क्या करें गुणनफल की बात करें, अब गुणनफल क्या होगा, गुणनफल दोनों को गुना करना पड़ेगा, जीरो गुने माइनस 2 बराबर क्या होगा जीरो होगा। अचर पद, अचर पद कुछ है ही नहीं, अचर पद नहीं है
इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो है, अचर पद नहीं है तो क्या है, जीरो है। तो जीरो, अब किसी भी चीज को हम जीरो में, यानी जीरो से कोई भी संख्या से भाग देंगे, यू स्क्वायर का गुणांक चार, अगर चार से भाग देते हैं जीरो में तो जीरो होगा, इसीलिए ये क्या होगा, प्रूव हो जाएगा, यानी क्या हो, संबंध स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से ये किमा, ये चौथा यानी प्रश्न संख्या कितना हो गया, चार हो गया, क्या हो गया, ये चार हो गया। ये सब आप लोग तब तक इधर राइट डाउन कीजिए, तब तक इधर हम मिटा के दूसरा बनाते हैं, जिन लोगों को राइट डाउन करना है कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने देखते हैं। प्रश्न संख्या ये चार हो गया पांच, अब देखेंगे पांच में क्या दिया गया है, तो पांच टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। पांच क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, बराबर जीरो, टी स्क्वायर बराबर माइनस पंद्रह, इधर आएगा प्लस पंद्रह, और टी बराबर क्या आएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर पंद्रह। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ अल्फा बराबर माइनस रूट अंडर पंद्रह, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा और फ्रेश लिख लें, अल्फा बराबर माइनस रूट अंडर पंद्रह, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर पंद्रह, यानी अल्फा का मान माइनस में और बीटा का मान प्लस में, दोनों में से उल्टा पुल्टा ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब समझिए योगफल, योगफल के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योगफल के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, अल्फा योगफल, योगफल यानी जोड़ेंगे, माइनस रूट पंद्रह प्लस रूट पंद्रह, तो दोनों को जोड़िए, माइनस में प्लस में जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो। अब देखिए एक्स का गुणांक, यहाँ टी है तो टी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये टी लिख सकते हैं, तो टी का गुणांक कुछ है ही नहीं, टी का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस या प्लस जो लिखना है लिखिए, जीरो टी और माइनस पंद्रह, तो टी का गुणांक जीरो है तो जीरो हो जाएगा, और टी स्क्वायर का गुणांक एक है, जीरो बटा एक जीरो हो जाएगा, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो ये x है तो आप लोग यहां लिख लेंगे कितना, t है तो t का स्क्वायर। इस प्रकार से अब गुणनफल की बात करें, क्या करें, गुणनफल की बात करें, दोनों को गुना कर लेंगे, कितना, माइनस रूट पंद्रह, और गुने क्या होगा, प्लस रूट पंद्रह, तो दोनों को गुना करेंगे, माइनस माइनस तो माइनस ही होगा, लेकिन क्या होगा, पंद्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा, क्योंकि रूट में दो है, एक बाहर निकल जाएगा, अचर पद, अचर पद यहाँ क्या है, माइनस पंद्रह है, माइनस पंद्रह, और टी स्क्वायर का गुणांक एक, एक देंगे तो यानी पंद्रह, माइनस पंद्रह बट्टे एक, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक, यहाँ आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर का गुणांक, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न, लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न, आइए देखते हैं छठा प्रश्न क्या है, तब तक आप लोग इधर राइट डाउन कीजिए और याद रखेंगे, ये एक्स के जगह अगर सवाल में टी है तो टी ही लिखेंगे, अगर सवाल में एक्स है तो एक्स लिखेंगे, अगर सवाल में एस है तो एस लिखेंगे, जो रहेगा वो लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाएंगे पांचवा और छठा बनाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं छठा प्रश्न आप लोग के सामने, क्या दिया गया छठा, तो छठा दिया गया और थ्री एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस एक्स और माइनस फोर। अब क्या कहा, पहला गुने तीसरा, चार तीया बारह, बारह को दो ऐसे भाग में बांटिए जो क्या हो, तो माइनस एक्स हो, तो चार तीया बारह यानी चार और तीन दो भाग में बांट सकते हैं, लेकिन माइनस चार करेंगे और प्लस तीन करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। आइए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स और माइनस फोर, अब दोनों में कॉमन, थ्री एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वन, टोटल चला गया बाहर तो वन, और माइनस फोर एक्स अगर कॉमन करेंगे क्या होगा, फोर एक्स अगर कॉमन करेंगे यहाँ पे फोर एक्स तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, क्या होगा, फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, अगर हम फोर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये वन हो जाएगा, ये और ये दोनों मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स माइनस फोर। अब इसमें एक स्टेप दो स्टेप मन में ही कर लीजिए, एक्स बराबर क्या, प्लस वन है तो माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा, x बराबर ये माइनस से फोर है, इधर आएगा प्लस फोर, तीन गुना में इधर आएगा भाग में, यानी x बराबर अल्फा बराबर लिख सकते हैं कितना, आइए देखते हैं अल्फा बराबर क्या लिखेंगे और बीटा बराबर क्या लिखेंगे। चलिए इधर जो मिटाने वाला है हम लोग मिटा लें तो और अच्छा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में, तो क्या दिया गया है, आइए अब यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे शून्यकों का योगफल, तो अल्फा कितना निकला माइनस वन निकला, अल्फा क्या निकला माइनस वन निकला, और बीटा कितना निकला चार बट्टे तीन निकल गया, चार बट्टे तीन। अब दोनों को क्या कीजिए जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा आइए देखते हैं, जोड़ेंगे तो माइनस एक और प्लस क्या होगा चार बट्टे तीन, क्या होगा चार बट्टे तीन, भिन्न का जोड़ घटाव जो है सारा चीज चार बट्टे तीन, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, दोनों का एलसीएम तीन, तो माइनस तीन प्लस चार क्या होगा एक, चार प्लस में तीन माइनस में एक, और एक बट्टे तीन हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा एक बट्टे तीन हो जाएगा, क्या होगा एक बट्टे तीन, तो लिख सकते हैं एक बट्टे तीन। अब यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा एक है ये तीन और एक का एलसीएम तीन हुआ, भिन्न के जोड़ घटाओ आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो एक दिया तीन, तीन इकाई तीन माइनस तीन, तीन का एक और एक से गुना करेंगे चार का चार। अब देखेंगे शून्यकों का योगफल ये हो गया माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस क्या है एक है, एक तो पहले हम माइनस है इसमें और माइनस एक है, और देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तीन है, माइनस माइनस प्लस एक बट्टे तीन, अब देखेंगे एक बट्टा तीन आया था बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट हम गुणनफल की बात करें, तो गुणनफल क्या दिया गया है, तो गुणनफल दिया गया है दोनों को गुना करना है माइनस एक गुने चार बट्टे तीन, गुना करेंगे क्या होगा माइनस चार बट्टे तीन हो जाएगा, अचर पद क्या है माइनस चार है, माइनस चार और एक्स स्क्वायर का गुणांक तीन, तो चार बट्टे तीन बिल्कुल सही है, प्रूफ हो जाएगा संबंध स्थापित हो जाएगा, संबंध क्या होगा स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखे अभी छह का छह प्रश्न देखे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी का दूसरा यानी प्रश्नावली जो है ये 2.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे, तो ये वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा, यानी ये वीडियो वन में लेक्चर वन में हम लोग देखे थे क्या, तो परिचय देखे थे और चैप्टर वन देखे थे, और ये लेक्चर टू में हम लोग क्या देखे, तो ये प्रश्न संख्या एक का छह तक देखे, अब लोग हम लोग लेक्चर थ्री में देखेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।